विवेक अग्निहोत्री एक्सपोज़ेस बॉलीवुड स्कैम। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किस बॉलीवुड स्कैम का किया खुलासा? कैसे विवेक की द वैक्सीन वॉर इस स्कैम से हुई अफेक्ट? क्या विवेक ने जवान की ब्लॉकबस्टर सक्सेस पर उठाया सवाल? फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर को हर तरफ घूम घूम कर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके विवेक को लगता है कि उनकी फिल्म को वो हाइप और अटेंशन नहीं मिल रही है जो फिल्म डिजर्व करती है। विवेक को बड़ी शिकायत है कि कुछ बड़े स्टार्स और बड़ी फिल्मों के हाइप के चलते उनकी फिल्म द वैक्सीन वॉर को लाइमलाइट नहीं मिली है, और जिसका जिक्र अपनी लेटेस्ट वीडियो में करते हुए उन्होंने बॉलीवुड में चल रहे स्कैम्स को एक्सपोज किया है। विवेक ने अपनी वीडियो में दावा किया है कि बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर्स, एडवांस बुकिंग फिगर्स, यहां तक कि रिलीज से पहले ही फिल्म को हिट घोषित कर देना सब बॉलीवुड स्कैम का हिस्सा है ताकि ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाए। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि विवेक ऐसा कहकर कहीं ना कहीं SRK की जवान के साथ साथ गदर 2 जैसे कई और कामयाब फिल्म की सक्सेस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कहकर हो सकता है कि उन्होंने सुर्खियों में आने की भी कोशिश की हो। After all, the vaccine war की रिलीज में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है, और शायद इसलिए फिल्म के रिलीज से ठीक पहले विवेक ने वीडियो जारी करके बॉलीवुड स्कैम जैसे टॉपिक पर बात की ताकि सिर्फ इंडस्ट्री में ही कॉन्वर्सेशन ना शुरू हो बल्कि ऑडियंस के बीच भी बातें होने लगे, और फिर लोगों का ध्यान विवेक और उनकी द वैक्सीन वॉर पर जा अटके। फिलहाल विवेक ने द वैक्सीन वॉर को लोगों की फिल्म बताया है और अपनी वीडियो में इसके बारे में लिखते हुए बोलने के लिए कहा है। फिल्म में नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा, रायमा सेन, अनुपम खेर एंड पल्लवी जोशी एज लीड कैरेक्टर्स नजर आएंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल एंड तेलुगु में सितंबर 28 को रिलीज हो रही है।